अगर आप अपने ख्यालों से बाहर आ जाए तो हम खाना खाने चले। समर तुम बहुत बदतमीज हो, तुम्हें क्या जरूरत थी समायर भाभी के बारे में इतना कुछ बोलने की? फरा क्या सोच रही होगी? यही सोच रही होगी कि समायर भाभी कितनी यूनिक शख्सियत की है और यही कि उनसे मिलना चाहिए। देखो समर, समायर भाभी के बारे में ऐसी बातें मत किया करो, वो दुनिया की बेस्ट भाभी है। ये तो है, वो दुनिया की बेस्ट भाभी तो है इसीलिए क्योंकि उनकी तुम जैसी बेवकूफ नंद हो। समर और नहीं तो क्या। अच्छा प्लीज मुझे तुम्हारी समायर भाभी की तारीफें नहीं सुननी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उनमें कितनी क्वालिटीज हैं और कितनी अच्छे। अब हम नीचे चलें खाना खाने, खाना खुल चुका है, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो। शुक्र। चलो अब खड़ी मत रहना। मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी। हम वहां बैठते हैं। समर, शिफा, क्या हुआ, रुक क्यों गए तुम लोग? यहाँ बैठते ना। नहीं हरम, हम वहीं बैठते हैं। यहाँ क्या मसला है, यहाँ बैठते हैं ना। नहीं वो वहीं बैठते हैं ना, प्लीज यहाँ बैठ जाते हैं ना। अच्छा समर बैठ जाता, चलो। अच्छा अरे उस बेचारे को बुरा भला तो मत कहो, क्या पता उसने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया हो। बेचारा, कहाँ का बेचारा, एक नंबर का बेवकूफ, बदतमीज कहीं का। तुम्हें पता है मुझे घूरने जा रहा था वो, फिर उसने मेरे आगे केले का छिलका फेंक दिया। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है करते हुए। अगर तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था तो तुम साइड से गुजर जाती, तुमने भी जरूर ना उस छिलके पे पांव रखना था। मैंने तुम्हें बताया ना, वो मुझे मुसलसल घूरे जा रहा था, इसलिए जवाबन मैंने भी उसे घूरा ताकि उसे थोड़ी शर्म तो आए। लेकिन वो बदतमीज, उसने उसी वक्त मेरे आगे केले का छिलका फेंक दिया। बेध्यानी में मुझे पता ही नहीं चला मेरा पांव उस पे पड़ गया। पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो गया, तहजीब और तमीज नाम की चीज तो उनमें है ही नहीं। एक बार वो लड़का मुझे दिख जाए ना, उसके तो मैं टुकड़े टुकड़े करके ना पहाड़ी कबों को खिला दूंगी, वरना मेरा नाम भी समर नहीं। अच्छा भाई, उसके टुकड़े करके तुम पहाड़ी कबों को खिलाओ या उसकी बोटी का सूप बना के पूरे मरी में बांट दो, लेकिन प्लीज अभी चुप कर जाओ, ठीक है? चलो आराम करो, चलो पीछे आओ, और ज्यादा हिलो जुलो नहीं वरना तकलीफ और बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता अब मैं कल तुम लोग साथ जा पाऊंगी। कल तो कितनी जगहों पे जाना था, पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट और पटियाला, सब उस लड़के की वजह से हुआ है। बस ठीक है, फिर तुम नहीं जा रही तो हम भी नहीं जाएंगे, क्या फायदा, हजार बार की देखी हुई जगह अब कुछ खास तो ऐसा बन नहीं गया कि हम भाग भाग के जाते फिर। क्या तुम लोग मेरी वजह से अपना प्लान कैंसिल कर दोगे? हरगिज नहीं। तो फिर? क्योंकि तुम सुबह तक ठीक हो जाओगी, बस अभी टैबलेट लेना, फिर मुझे बैग देना, लेकिन तुम्हें रेस्ट भी करना होगा, बस अभी ये टैबलेट खाओ और हम कल लाजमी जाएंगे। प्लान कैसे कैंसिल कर सकते हैं? ठीक है, अब ख्याल रखो अपना। एक बार वो लड़का दिख जाए ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, तमीज कहीं का। थकी, मुझे मोहब्बत हो गई है यार। क्या हुआ? मुझे मोहब्बत हो गई है यार, मैं तुझे बता रहा हूँ मुझे मोहब्बत हो गई है और तू सो रहा है। समीर, तुझे साल में 10 बार मोहब्बत होती है यार, सोने दे, थका हुआ हूँ यार। लेकिन इस बार सच्ची वाली मोहब्बत हो गई है भाई। पिछली बार की कसीदे परसों तक पढ़ रहा था तू, याद है मुझे सब। यार तू मुझे कितने अच्छे से जानता है ना। नहीं नहीं, मैं तुझे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जानता, क्योंकि जिस तरह तू लड़की को देखता है भाई, कोई भी आम इंसानी आराम से अंदाजा लगा सकता है कि या तो तुझे मोहब्बत हो गई है या होने वाली है। सो जा यार, मैं बहुत थका हूं, प्लीज। हाँ तो इस तरह तो उससे भी पता चल गया होगा कि मुझे उससे मोहब्बत है। समीर देख मेरी बात सुन, समीर जिस तरह तुझे देख रही थी ना, मुझे साफ साफ यकीन है कि वो सिर्फ और सिर्फ तेरा कत्ल करना चाहती है, समझा तू? हाँ तो जाहिर है ना यार, जितनी बुरी तरह से वो गिरी है उसे गुस्सा तो आना ही है। यार मैं सोच रहा हूँ उससे एक्सक्यूज कर लूँ,
लेकिन डर भी लग रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा यार। अच्छा सुन, मुझे मशवरा तो दे दे यार कि मैं क्या करूं। उठ जा यार। ओ, क्या है समीर? देख मेरे भाई, हम जो करेंगे सुबह फ्रेश होके करेंगे। मैं तेरा आगे हवा जोड़ता हूँ, सोने दे मुझे और लाइट बंद कर। मत मेरे पीछे पड़ गई है और खबरदार तू मुझे उठाया। अच्छा बात सुन, मैं बस निकला हूँ, प्रोडक्शन वालों के बहुत फोन आ रहे हैं, 2-3 घंटे का काम में भी छतर पाक में मिलते हैं। नहीं नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। क्यों, क्या हुआ? Look at your left side. हाँ देख, अल्लाह की कुदरत माशाल्लाह, कितने खूबसूरत नजारे हैं। नजारे? अबे कहते उतर नहीं, उतर देख, तेरी होने वाली भाभी बैठी है वहां पे, जाओ जाके सलाम करके आओ। जूडी फोस्टर मरी में क्या कर रही है? अभी जूडी फोस्टर नहीं, समर बैठी है, समर। हो, समर भाभी। अच्छा सुन, मैं जाके एक्सक्यूज कर लूं इससे? हाँ भाई बिल्कुल कर ले, जो जिन मोहब्बत भरी निगाहों से वो आपको देख रही है, मुझे लगता है कि आपका सर उनके हाथ में और जिस्म पहाड़ों में होगा। फिर क्या पता यार कि वही समर हो जिससे अबू ने मेरी मंगनी तय की है। हाँ होने में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए बेहतर ये है कि तू उस लड़की के बारे में सोच जिससे अब्बा ने तेरी मंगनी तय की है। ओके, तक की मैंने पता किया यार, ये ग्रुप सेंट मेरी कॉलेज से आया है। हो, इसका मतलब है कि हमारी समर भाभी सेंट मेरी कॉलेज में पढ़ती है भाई। फिर मुझे क्या पता, अबू ने मुझे कुछ बताया ही नहीं, और सच्ची बात तो यह है कि मैंने उनसे कुछ पूछा ही नहीं। अब उन्होंने मेरी मंगनी तय की है तो मेरी भलाई का ही फैसला किया होगा ना मेरे भाई। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह समीर भैया, आपने मशरूकीपन की हद कर दी। यानी आपको पता ही नहीं है कि जिस इंसान के साथ आपकी जिंदगी गुजरने वाली है वो कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या नहीं करती। वेरी गुड, वेरी गुड। अबे तो मुझे क्या पता था कि जिस लड़की से मेरी मंगनी तय होगी वो मेरी ख्वाबों की मलका होगी। एक सेकंड, पहले तो ये गलतफहमी दूर कर ले भाई कि मिल जाएगी, मिलेगी नहीं सिर्फ नजर आएगी। अच्छा सुन तकी, मैंने पता किया, अबू ने अपने जिस दोस्त की बेटी से मेरी मंगनी तय की है ना, वो लोग पहले गुलशन में रहते थे। अब देख यार, किसी तरीके से समर के वेयर अबाउट्स को पता चल सके बस। अरे यार समीर, समर नाम की बहुत लड़कियां होंगी शहर में, और अगर फिर तुझे इतनी बेचैनी हो रही है भाई तो जाके खुद पूछ ले। वाह यार, ऐसी अकलबंदी का ख्याल पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अकल होगी तो ख्याल आएगा ना। चल मैं चलता हूँ, ठीक है? और हाँ, अगर कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे बिल्कुल फोन ना करना। तू कभी नहीं सुधरेगा। अब उसने तुम्हारी शान में ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी? तुमने देखा नहीं, कब से मुझे इशारे कर रहे वहाँ खड़े और घूरे जा रहे कब से मुझे, पागल कहीं का। बड़ी खुशफहमी है तुम्हें अपने बारे में, ऐसा भी तो हो सकता है मुझे देख रहा हो, आखिर तुम्हारे अलावा भी तो कोई खूबसूरत है। जी जी बिल्कुल, हो सकता है कि उस लड़की की आंखें खराब हो, वो देख पड़ा को रहा और इसे लग रहा हो कि इसे देख रहा है। और वैसे है तो हैंडसम, सोच रही हूँ हेलो हाय कर लूँ। क्या, इस बारे में सोचना भी मत, कत्ल कर दूंगी मैं तुम्हारा। तुम लोग यहाँ हो, वहाँ पे सब लोग गाड़ी में बैठे हैं, तो सुल्ताना हमें छत्तर पार्क लेके जाएगी। चलो 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 चलते हैं। चलो मुझे
हादिया कहाँ है? सो रही है। क्या हुआ शिफा? वो मैं पिक्चर्स ले रही थी तो फोन बंद हो गया, शायद खराब हो गया है। ओ चलो कोई बात नहीं, वापस जाके ठीक करवा लेना। मुझे भाभी और भाई को कॉल करनी थी, बहुत याद आ रही है उनकी। ओ गॉड शिफा, अभी हमें यहाँ पर 28 आवर्स भी नहीं हुए और तुम्हें अभी से भाई भाभी की याद आने लगी? नहीं, वो उमेर भाई से काफी दिन हो गए ना नहीं मिली, मैं दुबई गए हुए मीटिंग के लिए। और फिर सुमायर भाभी और हदिया। शिफा कम ऑन, तुम कब बड़ी होगी? कब तक तुम ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए भाई भाभी पर डिपेंडेंट रहोगी? देखो समर, हम जितने भी बड़े हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनों को याद ना करें या उनकी कमी ना महसूस करें। चलो उमेर भाई तो ठीक है, समर भाभी? समर, समर तुमने ना समायर भाभी के बारे में कुछ नहीं बोलना, उनके खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी प्यारी समायर भाभी के बारे में कुछ भी नहीं कह, मैं जा रही हूँ। जाओ। शिफा कहाँ है? कितनी देर से मैं आया हूँ, नजर नहीं आ रही। वो सो रही है। सो रही? ये कौन सा टाइम है सोने का? एक्चुअली कॉलेज से आई भी थी तो थकी भी थी तो लेट गई। हम खाना खा ले तो मैं उसे जगा दूंगी। मैं खुद उसे जगाता हूँ। मैं कह रही हूँ ना, खाना खा लो फिर हम उसे जगा देंगे। अभी जगाने में क्या मसला है? मैं पहले खाना खा लो फिर मैं सारी बात समझाती हूँ। सारी बात? क्या मतलब सारी बात? उमेर शिफा अपने कमरे में नहीं है, वो अपने कॉलेज ट्रिप के साथ मरी गई हुई है। मरी चली गई है? मेरे मना करने के बावजूद? उमेर, मैंने उसे मना किया था, मैंने उसे ये भी बताया था कि तुमने सख्ती से मना किया, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। कह रही थी मैंने तुम्हारे कान भरे होंगे, कह रही थी कि हम तो चाहते ही नहीं है कि दो चार दिन वो कहीं सुकून से गुजार ले। उसने कहा था कि तुमसे खुद ही बात कर ले, और ये भी कह रही थी कि मुझे तुम दोनों भाई बहन के बीच में नहीं आना चाहिए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तुमसे झगड़ा अपनी जगह लेकिन वो मेरी बात नहीं टाल सकती। तो तुम भी मुझे इल्जाम दे दो। शिफा की नजरों में तुम्हें बुरी बन ही चुकी हूँ, कितना समझाया उसे, कितनी मेहनत की, लेकिन बात शिफा की हो रही होती है, तुम बीच में कहाँ से आ जाती हो? समायर, मैं उसे कॉल करता हूँ। उमेर, तुम्हारे कॉल करने से वो वापस नहीं आ जाएगी। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? समायर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शिफा को क्या हो गया है मेरी समझ से बाहर है। मैं जितनी उससे मोहब्बत करता हूं, जितना उसके करीब जाने की कोशिश करता हूं, वो उतना ही मुझसे दूर होती जा रही है। पहले तो वो मेरी बात मान लिया करती थी, लेकिन अब तो बात सुनना तक गवारा नहीं है उसे। कभी कभी मुझे लगता है वो मुझे अपना कुछ समझती नहीं है। देखो ऐसी बातें तो मत सोचो उमर, शिफा कम उम्र है, नादान है, और वैसे भी उसकी दोस्तें हर वक्त उसे भड़काती रहती हैं। उसको सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए,
तुम्हारी अटेंशन सीक करने के लिए हरकतें करती है। ट्रस्ट मी, तुम उससे प्यार से बात करोगे ना तो वो सारी बातें समझ लेगी। समायर, मैं कब तक ये समझूं कि वो कम उम्र है, कब तक ये समझूं कि वो नादान है, ना समझ है, कब तक यही समझूं कि अम्मी अब्बू की मौत ने उसकी जिंदगी में खला पैदा कर दिया जिसको मैं पूरा करने में नाकाम रहा हूं। I'm sick and tired, समायर, मैं थक गया हूं ये बात समझा समझा के। अच्छा तुम उसे वापस आ लेने दो, इस बार मैं उसे समझा। नहीं समायर, तुम अपनी सारी कोशिशें कर चुकी हो, इस बार मैं ही उसे समझाऊंगा। अच्छा ये बातें छोड़ो, मैं खाना लगाती। नहीं रहने दो, भूख नहीं है। तो मैं खाने से क्या नाराजगी, खाना तो खा लो। कहा ना मैंने नहीं खाना। फोन भी हो जा रहा है मुतरमा का। अच्छा मैं हदिया को देख लूं तो फिर खाना लगाती हूँ। अच्छा शिफा, समाहिर भाभी और उमेर भाई की याद आ रही है? अच्छा ये लो, मेरे फोन से उन्हें फोन कर लो। इसकी जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ समर। देखो शिफा, मैं तुम्हें जो कुछ भी समझाती हूँ तुम्हारे भले के लिए समझाती हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन तो नहीं हूँ ना। तुम्हें लगता है कि समाहिर भाभी मेरी दुश्मन है? मुझे ये नहीं लगता कि वो तुम्हारी दुश्मन है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाती हूँ कि वो तुमसे ऑनेस्ट नहीं लगती, तुम्हें उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। देखो उनकी किसी भी बात को सच मानने से पहले अपनी थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लिया करो। मासूमियत अच्छी चीज है, लेकिन इंसान को मोहब्बत में और बनावट में फर्क करना आना चाहिए। अच्छा खैर ये बातें छोड़, हम चल के बैठते। यार समीर हमेशा पिक्चर खराब कर देता है यार। चल यार बना। अच्छा था यार, मैं तुझसे बात करना है और तू सेल्फीज ले। एक सेकंड यार। चल बोलो। मैंने अम्मा को फोन किया था, उन्होंने मुझे समर के बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो तो वैसे भी समर की पूरी फैमिली से नफरत करती हैं, पता नहीं समर शादी के बाद उनके साथ कैसे एडजस्ट करेगी यार। अच्छा जी, अभी बेगम साहिबा घर पे आई नहीं और आपको पहले फिक्र होने लग गई। हाँ तो जाहिर है फिक्र तो होती ही है। फिक्र तो होती ही है। अरे भाइयों इधर बात करो। अरे जल्दी आओ ना यार, इधर आओ। वो जो पीछे लड़कियां बैठी ना सेकंड नंबर वाली जो है, उसने ब्लैक कोट पहना है। हमारे समीर मियां तो लग रहा है कि वो इनकी मंगेतर है, तो भाई मैंने तो कहा जाके पूछ लो उसे, इसमें से कौन सी बात है, कोई गलत बात की मैंने? लेकिन इसको लग रहा है कि इसे मार पड़ जाएगी। ऐसे ही पड़ जाएगी, हम है ना तेरे गबरू जवान दोस्त, मजाला किसी की, कोई हमारे होते हुए तुझे हाथ तक भी लगा दे, हाथ ना तोड़ के फेंक देंगे हम। टूट शाबाश, जा जा उठ ये बात, जा रे हिम्मत कर, शाबाश बाकी का दोस्त है तू, हिम्मत कर हिम्मत। जा तू जा। यहाँ क्यों आ रहा है? सुनिए मुझे आपसे कुछ कुछ बात करनी है। कैसी बात? देखिए कल जो कुछ भी हुआ मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरा यकीन कीजिए वो सिर्फ एक हादसा था और मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। मैं तुम लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ, समझे तुम? पहले तुम सॉरी कहोगे, फिर कहोगे कि आपसे दोस्ती करनी है और फिर। अरे आप गलत समझ रही हैं, मैं तो सिर्फ आपसे माजरत करने आया था। माजरत करने आया ना? एक मिनट रुको, मिस सुल्ताना। अरे आप उन्हें क्यों बुला रही हैं? मैम प्लीज जल्दी आए। अरे मैं सिर्फ माजरत करने आया था आपसे, वाकई में आप क्यों बुला रही हैं टीचर को? क्या हो रहा है ये? मैम ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है। मैम ये गलत समझ रही हैं, मैं इनसे सिर्फ माजरत माजरत करने आई, सॉरी बोलने आया था वाकई में। माजरत कर
माजरत करने आया था। उठो अभी कंप्लेन करती हूँ तुम्हारी, चलो। कैसा मजा चखाया सर। वैसे तुम्हें क्या जरूरत थी झूठ बोल के उस लड़के को मार पड़वाने की? झूठ? मैंने कौन सा झूठ बोला है? तुम्हारे सामने तो मैं सुल्ताना से सारी बात की थी मैंने। वैसे उसने इस बार कोई ऐसी हरकत नहीं की थी, उल्टा वो तुमसे माफी मांग रहा था। माफी नहीं मांग रहा था, माफी मांगने का ड्रामा कर रहा था, वरना उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि वो बहुत शर्मिंदा है, वरना वो शर्मिंदा था नहीं। और तुम कब से दिलों का हाल जानने लग गई? वो कह रहा था कि वो अपनी हरकत पे शर्मिंदा है, तो तुम्हें उसकी बात पे यकीन कर लेना चाहिए था। इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? वो माफी मांग रहा था ना, तो माफ कर देती। अब देखो ना, सब लोगों के सामने फजूल में उसका भी तमाशा बना और तुम्हारा भी। लोगों के पास और भी बहुत बातें याद रखने के लिए, तुम देखना कल तक सब लोग भूल भी जाएंगे। लेकिन क्या वो लड़का भूलेगा? समाहिर भाभी कहती है कि लड़के बहुत जिद्दी होते हैं, किसी जिद पे अड़ जाए ना तो बदला लेके ही रहता है। ओह गॉड प्लीज, अब तुम इस वक्त समाहिर भाभी की नसीहतों का लेक्चर मत स्टार्ट कर देना। उनकी कुछ नसीहतें तुम्हारे भी काम आ सकती हैं, कभी कभी ध्यान दे दिया करो। जी नहीं, उनकी सारी नसीहतें सिर्फ तुम्हारे ही काम आ सकती हैं, मेरे नहीं। अच्छा अपना फोन देना प्लीज। ये लो। शुक्रिया। यहाँ अकेले क्यों बैठ रहा मैं? क्या सोच रहे हो? शिफा का फोन आया था, खैरियत से पहुंच गई, अपने दोस्तों के साथ खुश है। उसने मुझे कॉल क्यों नहीं की? जाहिर सी बात है, वो जानती थी कि उसके इस तरह चले जाने पर तुम उसे डांटोगे, शायद इसलिए। मैं उसे कॉल करता हूँ। और मैं देखो, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो उसे फोन कर सकते हो, लेकिन अगर वो चली ही गई है तो उसे वहां एंजॉय तो करने दो। वापस आएगी तो भले जितना डांटना है डांट लेना, अभी तो उसकी खुशी वहां खराब मत करो। मैंने क्या किया है? तू नहीं मुझे मशवरा दिया था ना उस लड़की के पास जाने का? मैंने सिर्फ मशवरा दिया था। हाँ, अब दिल क्यों छोटा करता है समीर? तारीख गवाह है कि जिसने भी ऐसा अफलातूनिश किया है उसको शुरू शुरू में मार जरूर पड़ी है, तो टेक इट इजी समीर भाई। लानत हो ऐसे इश्क पर जो 20 सड़क जूते पड़वा दे। उस्तानी जी का हाथ इतना हैवी था जैसे किसी हैवीवेट रेसलर का होता है। अभी तक मेरी हड्डी पसली में दर्द हो रहा है। लेकिन देख लेना तुम लोग, जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगा ना उस लड़की से, सुकून की सांस नहीं लूंगा। क्या क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा अभी बताता हूँ। लड़का ही बनेगा, तू एंगल सीखने दे। एक सेकंड, ये लो। ये क्या है भाई? इसे तुम पहनोगे और उस लड़की को डराओगे। पागल हो गया, मैं ऐसा कोई फजूल काम नहीं करूंगा। ये तो तेरे अच्छे भी करेंगे बच्चू जी, दोस्त को उल्टे सीधे मशवरे दे सकता है तू, दोस्त की बेइज्जती का बदला नहीं ले सकता? तो दोस्त कौन सा, जरा सी मार खाने पे फौत ही हो गया, मैं ऐसा कोई फजूल काम नहीं करूंगा। ठीक है फिर, आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। ऐसी दोस्ती का खत्म हो जाना ही बेहतर है जो दोस्त को भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने की तरकीब दे। ठीक है, तू नहीं लेगा ना बदला उस लड़की से? तो फिर मैं लूंगा तुझसे बदला। तूने वो जो ड्रामा साइन किया है ना, उसकी खबर मैं अब्बा को दे दूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार, भाई को ब्लैकमेल करेगा? हाँ करूंगा। देख रहा तू? तो फिर ये ले।
मेरे भाई ने मुझे फोन नहीं किया, मेरी कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे। खुदा करे सब खैरियत हो। पता नहीं कहाँ गुम हो गया, यही रखा था। क्या हुआ समर? हर शिफा मेरा कैचर नहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है मैंने कहीं गिरा दिया है। मुझे लग रहा है शायद मैंने हॉल में गिरा दिया है, मैं देख कर आती हूँ। नहीं 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 तुम बैठो यार, एक तो पाँव पे चोट लगी है, ऊपर से तुम्हें सुकून नहीं है। एक कैचर ही तो है, हम ले लेंगे कल माल रोड से। नहीं शिफा वो कोई मामूली कैचर नहीं है, उस पर ओरिजिनल सफायर लगा हुआ है और पापा ने लास्ट ईयर मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। अगर वो गुम गया ना तो मामा मेरा कत्ल कर देंगे, क्या करूंगी मैं अब। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं जाके देख के आती हूँ, ठीक है? हॉल ना, डाइनिंग हॉल। हाँ सही तरह देखना, कहाँ चला गया, मैं कैसे घुमा सकती हूँ। अबे नहीं आएगी यार। फिर आएगी आएगी। मुझे लगता है कोई आ रहा है। मुझे पता था वो जरूर आएगी और ये वक्त बेहतरीन होगा उससे बदला लेने के लिए। बट तुझे कैसे पता था वो रूम से बाहर आएगी? यार मैंने आज उसका कैचर डाइनिंग हॉल में गिरते हुए देखा था, और लड़कियां सब कुछ भूल सकती हैं लेकिन अपना मेकअप का सामान कभी नहीं भूल सकती, इसलिए मुझे यकीन था कि वो अपना कैचर लेने अपने कमरे से बाहर जरूर आएगी। चल ताकि पोजीशन ले ले, वो किसी वक्त आती होगी। बात तो सुन, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अबे वो आने वाली होगी, तू बस उसके सामने आ जाना, और जैसे ही वो बाहर आए और उसकी चीखने की आवाज आए तो फौरन कमरे में आ जाना। लेकिन ठीक है, हमें ये सब करके क्या मिलेगा, तुझे क्या हासिल होगा ये करके? सुकून मिलेगा मेरे भाई, सुकून। रोत सुकून के लिए सिपक मेरे कमरे पड़ गई है। चल चल वो आती होगी, शायद शायद वो आ रही है। चल चल चलिए बॉटल लग रहा ना करो यार। अरे तुम बाहर नहीं जा सकती यार, मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, समझ आई? पागल हो गई हो, बाहर से किसी के पास नहीं आ रही इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर कोई नहीं है, कोई ना कोई जरूर होगा। और इस टाइम उन्होंने तुम्हें यहां से जाते हुए देख लिया तो तुम्हारी पोजीशन अंडरस्टैंड करो यार। अगर तुम्हारी इस हरकत की वजह से किसी ने भी मुझ पर उंगली उठाई तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। और तुम क्यों मेरे सामने बार बार आ जाते हो? तुम हो कौन? तकी, समीर का दोस्त। समीर कौन? समीर कौन? वो जिसको तुम्हारी सहेली ने मार पड़वाई है। गलती हो गई, उसके साथ साथ तुम्हें भी पिटवाना चाहिए था। मेरी बात सुनो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त को डराने आया था। उस बेचारे को इतनी मार पड़ी कि उसे चला भी नहीं जा रहा, इसलिए मुझे आना पड़ा। बीच में तुम आ गई, सारा प्लान खराब कर दिया। और अपनी दोस्त को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, उस बेचारे को इस तरह मारनी पड़वानी चाहिए थी। हाँ तो क्या उसे गले में हार डालती? वो तो शुक्र करो सिर्फ मार पड़ी है, मैं समर की जगह होती ना तो उसे उल्टा लटका देती। ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया था उसने? हाँ और तुम्हारी दोस्त की मदद ही कर रहा था, और सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं तुम्हारी दोस्त कमिटेड या एंगेज तो नहीं है। क्या? फिर तो शुक्र करो कि तुम्हारे दोस्त को बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अगर समर को पता चल जाता ना तो वो तुम्हारे दोस्त को सचमुच में उल्टा टांग देती।
चलो जी। और तुम्हारे दोस्त कोई तमीज नहीं है, उसको नहीं पता कि लड़कियों से इस तरह पर्सनल सवाल नहीं करते। तुम कौन सी मखलूक हो भाई, और तुम लड़कियों को हर छोटी बात का इतना बड़ा मसला बनाने की ये क्या आदत होती है, क्या फजूल बात है। तुम दरवाजा खोल रहे हो, हमें चीख मार के सबको जमा करो। सर बस बस, इतना ओवर एफिशिएंट बनने की जरूरत नहीं है। इस दरवाजे से नहीं जा सकते, यहाँ से कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और तुम शुक्र अदा करो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी की कमरा खोला तो इसमें कोई नहीं था। पीछे कहीं दरवाजा होगा, वो देखता हूँ, वहां से चले जाएंगे। अकलमंद सामान उठा रहा हूँ अपना, चलो चलो। बहुत ठंड हो रही है आज तो। कहाँ है मेन डोर? हाँ ये है मेन डोर, ये बैक डोर है, और वो स्टेयर्स और ऊपर राइट पे तुम्हारा कमरा। ठीक हो गया, अब सुनो, वो जो कुछ भी हुआ महज इत्तेफाक था, समीर की बेवकूफी है। आई एम रियली रियली सॉरी इस तरह कमरे में बंद रखना पड़ा तुम्हें, क्योंकि तुम समझती हो ना अगर हम दोनों इस कमरे से बाहर निकलते तो पहला वजह की प्रॉब्लम बन जाती हम दोनों के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। हां अच्छा, और तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरी पोजीशन क्लियर हो गई होगी? मैं इतनी देर से अपने कमरे से गायब हूं, मेरी फ्रेंड्स ने अभी तक मेरी टीचर को बता दिया होगा मेरी गैर मौजूदगी का, वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि इतनी देर से मैं कहां थी? सॉरी, कह तो रहा हूं ना कि शर्मिंदा हूं, और क्या करूं, मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी से क्या फायदा। और तुम्हें एक बात बताऊं, तुम अपने रूम में जाओ, पैकिंग शुरू कर दो, तुम मुझे सुबह नजर ना हो, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम क्या तुम्हारे दोस्त भी याद रखेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, और वो एक बस बात बताती जाओ कि वो मुझे तुम्हारी दोस्त है, वो क्या सीन है उसका, कमिटेड है, एंगेज्ड है? ना ही वो कमिटेड है और ना ही वो एंगेज्ड है। शुक्र है, शादीशुदा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या शादीशुदा? लो जी कर लो बात, ना तमाशा लगाया, मैं तजलील हुआ, वो लड़की शादीशुदा नहीं थी। हाँ भाई समीर, तेरा अल्लाह ही मालिक है, तेरी किस्मत ही खराब है। इंसान अपनी दुश्मनी में इतना भी अंधा ना हो जाए कि अपने दुश्मन को ना पहचान सके, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। लो जी, इसे फिक्र हो रही है कि वो इसके बारे में क्या सोच रही होगी। तो और क्या सोचूं, अब क्या होगा मेरा? इस तरह वो मुझे धमकियां देके गई ना, वो जरूर कुछ ना कुछ करवाएगी। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, काम ना भी किया मार हरगिज नहीं पड़ेगी। तो बता। अच्छा एक बात बता, इतनी देर तुम उस लड़के के साथ रहे, कुछ तो बातें हुई होंगी। जिस तरह की सिचुएशन थी, तुम्हें लगता है कि उसे बुरा भला कहने के सिवा कोई बात हुई होगी? क्यों नहीं हो सकती, ये फिल्म या ड्रामा होता ना, अब तक लड़का लड़की को प्यार मोहब्बत हो चुकी होती। मैं तो सिर्फ बातों का पूछ रही हूँ। एक मिनट, तुम में से किसी ने भी लड़कों से मोहब्बत करने का सोचा भी ना तो अच्छा नहीं होगा। और कल सुबह तो देखना मैं कैसे मिसेस सुल्ताना से उन लोगों को मजा चखाती हूँ। उनको सबक ना सिखाए ना तो मेरा नाम भी समर नहीं। अरे भाई, जो करना है सुबह ही करना होगा ना, अभी तो सो जाओ, पहले ही कच्ची नींद की वजह से मेरा सर दुख रहा है। प्लीज लाइट बंद कर दो यार। इस वक्त कौन आया? फरा तुम देखना। हाँ मैं देखती हूँ। कोई भी नहीं है, ठीक है। अरे तू है कैचर? कैचर? नो वे, शुक्र, ठीक है। सॉरी सॉरी, कोई सॉरी वॉरी नहीं, ठीक है। बस मुझे नहीं पता शिफा, तुम चलो मेरे साथ। समर वो माफी मांग चुका है, फिर हम क्यों उसकी शिकायत लगाएं? और वैसे भी
हमारे पास कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि उसने मुझे कल रात को डराया था। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं साबित कर लूंगी, बस तुम चलो मेरे साथ। समर क्या जरूरत है यार, वो दो बार माफी मांग तो चुका है, एक बार वहां कमरे में और एक बार लिखकर। अच्छा और तुम्हें ये बात पता है कि उसने सच्चे दिल से माफी मांगी थी कि नहीं? मुझे नहीं पता कि उसने सच्चे दिल से माफी मांगी थी या नहीं, लेकिन मैंने जिंदगी में ना एक सबक सीखा है कि जब कोई इंसान आपसे माफी मांग रहा हो ना, तो उससे बिना सोचे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ कर देने वाला अल्लाह ताला के नजदीक बहुत प्यारा होता है और अल्लाह ही सिर्फ दिलों के हाल जानता है। इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम उसके अख्तियारात अपने हाथों में लेने की कोशिश करें। अरे वाह, आज तो शिफा के अंदर पीरनी जाग उठी है। भाई पीरनी कहो या कुछ भी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब हमें उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी अगर इंसान के अंदर दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को माफ करने का हौसला ना हो, तो फिर उसे ये उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसकी बड़ी गलतियों को माफ करेगा। तौबा शिफा, तुमसे तो इंसान बात भी ना करे, नहीं तो पूरा लेक्चर सुनना पड़ जाता है। अच्छा बस जल्दी चाय पियो, फिर तैयार होके माल रोड चलते हैं। नहीं जाना तुम लोग को? जाना है।